अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बोटी कबाब। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस है और बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम चिकन लेंगे, 1 kg बोनलेस चिकन है। इसको हम अच्छे से धो लिए हैं, पानी इसमें एक भी नहीं है, और सुखा लिए हैं। ये फूड कलर है 1/2 चम्मच। ये कुटी हुई मिर्च है 1 बड़ा चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, भुना जीरा 1 चम्मच, और टेस्ट के मुताबिक आपका नमक है। ये गरम मसाला 1 चम्मच है। ये लाल मिर्च है और धनिया है 1-1 चम्मच है। लहसुन बड़ा सा 1 है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। ये फ्राई किया हुआ 1 बड़ा प्याज है। थोड़ा सा बेसन है। चाट का मसाला है 1 चम्मच, और बड़े चम्मच से नींबू है का रस है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, और फिर फूड कलर डालेंगे 1/2 चाय के चम्मच से कम है, और बाकी मसाले हल्दी 1/2 चाय चम्मच, भुना जीरा, कश्मीरी मिर्च कुटा हुआ मिर्च, नमक, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला, ये सभी चीज़ें शामिल करेंगे, और चाट का मसाला डालेंगे। नींबू का रस डाल देंगे, और बाकी ये जो मसाले हैं उसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। फ्राई प्याज को और अदरक लहसुन को हम थोड़े से दही के साथ में मिक्सी में पीस लेंगे। दही हमको गाढ़ा गाढ़ा लेना है। इसमें से जो गाढ़ा दही है हम उसी को ले रहे हैं, और पानी जो है उसे छोड़ दे रहे हैं। 3 छोटे चम्मच हम इसमें दही ले लेंगे। और इसे मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेंगे बिना पानी डाले हुए। इसे भी हम चिकन में शामिल करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे, 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच, और बाकी हम रख देंगे। और सरसों का तेल 1 बड़े चम्मच से डालेंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। 7-8 घंटा इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसमें इतने देर में सभी मसाले अच्छे से चिकन के अंदर अच्छे से चला जाएगा। इसे हम फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी। मौसम के हिसाब से, गर्मी है तो फ्रिज में रख लें, सर्दी का टाइम है तो आप इसे बाहर रखें। हम जो लकड़ी का स्टिक है उस स्टिक को हम पानी में पहले से फुला के रख लिए थे, ताकि जब हम इसे फ्राई पैन पर तले तो ये जले नहीं। अब हम फ्राई पैन को गरम करके उस पर थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिए, और हम चिकन की सीख लगा ले रहे हैं। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, हाथ से छूने से बहुत नरम हो चुका है। इसको हम थोड़ा सेकेंगे। इस तरीके से हम सभी में लगा लेंगे, और सीख को गरम तेल पे हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। जितने सीख आसानी से आ जाए हम इस पे डालते जाएंगे पैन पे।
थोड़ा थोड़ा मसाला और लगा दे रहे हैं। मसाला बहुत अच्छे से इसमें मिल चुका है, एक भी पानी चिकन पे आया नहीं है। और हम बेसन सिर्फ 1.5 छोटा चम्मच डाले हैं इसमें। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 4-5 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेंज कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से लाल हो चुका है और बहुत ज़्यादा गल भी चुका है चिकन को। अब हम दूसरे साइड से भी बना लेंगे 3-4 मिनट। और हम एक चारकोल को गर्म कर ले रहे हैं चूल्हे पे, और एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी पे उसे रख के हम थोड़ा सा बटर डाल के इसका धुआं हम कबाब पे लगाएंगे। और ढक्कन बंद कर दे रहे हैं। 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इसमें अच्छे से जब तक धुआं है तब तक आप ढक्कन ना खोलें। ये देखिए कितना टेस्टी और कितना जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, और सभी को बहुत पसंद आएगा। और इसको हम थोड़ा सा हरी चटनी के साथ में इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, और थोड़े से प्याज और नींबू के साथ में। हरी चटनी के साथ ये कबाब बहुत ही अच्छा लगता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।